इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, बट टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या मैक्सिमा मिनिमा ही था लेकिन सिंगल वेरिएबल था, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। तो देखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा जो हमारा वन वेरिएबल था उसका क्या क्या प्रोसेस होता था, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते थे और क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते थे। यहाँ पे भी कुछ इसका प्रोसेस है, कुछ इसका रूल्स है, कुछ कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम बोलेंगे क्या कि हमारा मैक्सिमा है, कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो बोलेंगे हमारा मैक्सिमा नहीं है, या फिर कंडीशन को फॉलो किया तो बोलेंगे मिनिमा है, कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो मिनिमा नहीं है। ठीक, तो इस मैक्सिमा मिनिमा में और जो पिछला मैक्सिमा मिनिमा था उसमें बस इतना ही अंतर है कि वो जो पहला मैक्सिमा मिनिमा था उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग यूज में लेते हैं, बट इस मैक्सिमम मिनिमम का एप्लीकेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। हम आपको बताएंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको आने वाले सेमेस्टर्स एग्जाम में है उसमें बहुत सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लंबा सा टॉपिक ही है, वहां पे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। बट यहाँ पे हम आपको बताएंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे एप्लीकेशन है इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम अच्छे से समझा पाए। तो देखिए कंडीशन क्या है हमारा, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अप्लीकेबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ सिंगल वेरिएबल में भी कुछ प्रोसेस था तो इसमें भी कुछ अपना प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस इसका क्या है, वर्किंग रूल जिसको हम बोलेंगे, पुट द गिवन फंक्शन बराबर एफ एक्स, यानी कि हमको कोई एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा या फिर कोई फंक्शन दिया रहेगा उसको हमको क्या करना है एफ एक्स के बराबर इक्वेट कर देना है, पहला काम करना है। दूसरा हमारा क्या है, हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको आप ये करिए, इसको डाउ भी बोलते हैं। ये जो नोटेशन आप देख रहे हैं इस ये जो आपका ऑपरेटर है इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, डाउ बोलते हैं। कुछ कुछ लोग इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं, जो कि ऑपरेटर गलत है, इसका नाम क्या है, डाउ। और इसका एप्लीकेशन कहां होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। इस ऑपरेटर का यूज कहां होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है। यहां पे भी डाउ होगा आपका और यहां पे भी वही होगा। तो ये क्या है, हमको फाइंड करना है डेल डेल बोल रहे डाउ एफ बाय डाउ एक्स इक्वल ये स्मॉल पी के बराबर होता है। आगे हम आपको बताएंगे यहीं पे कि ये आपका पी होता है, ये आपका क्यू होता है, ये आपका एस होता है, ये आपका आर है, ये आपका टी है। ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप कभी पढ़िएगा तो आपको ये चीजें दिमाग में रखना है, पी क्यू आर एस टी। यहां पे भी इसी चीज को हम क्या किए हैं, पी क्यू आर एस टी में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक, तो यहां पे जो डाउ एफ बाई डाउ एक्स जो है हमारा ये किसके बराबर है, हमारा स्मॉल पी के बराबर है। तो हमको इसको फाइंड करना है, हमको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। साथ ही डाउ एफ बाई डाउ वाई बराबर क्यू, हमको इसको भी फाउंड करना है। और करना क्या है, इन दोनों को फाइंड करके उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है, और यहां से एक्स या वाई जो इसका भी वैल्यू निकले हमको फाइंड कर लेना है। अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक एक्स में ही आपका कोई ना कोई वेरिएबल आएगा, वहां से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर, तो यहां से सोल्व करेंगे तो हमारा क्या वाई का वैल्यू निकल के आएगा। तो यहां पर एक एक्स का वैल्यू निकल गया, यहां पर एक वाई का वैल्यू निकलेगा। अगर हम कोऑर्डिनेट पेयर में लिखे तो क्या एक्स वाई ऐसे ही तो लिखते हैं, तो मान लेते हैं अगर एक्स का हमारा कोई रूट निकला है तो ए, वाई का कोई रूट निकला है बी, तो उसको पेयर में क्या लिखेंगे ए बी। अगर ये सिंगल वेरिएबल हुआ तो ए बी निकलेगा, अगर ये डबल वेरिएबल हुआ मतलब डबल वेरिएबल मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो हमारा सिर्फ एक ही पेयर निकलेगा, अगर ये सेकंड ऑर्डर का है मतलब इक्वेशन फॉर्म कर रहा है तो एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, तरह वाई का भी दो वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे इसी तरह ए बी पेयर सी डी पेयर ऐसे पेयर हमारा बनता जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड
डाउ एफ बाई डाउ एक्स इक्वल स्मॉल पी एंड डाउ एफ बाई डाउ वाई इक्वल स्मॉल क्यू एंड इक्वेट टू जीरो, सोल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन, साथ साथ उसको सोल्व करना है इन एक्स एंड वाई में। दैट इज जब सोल्व करेंगे तो एक्स का कुछ वैल्यू निकलेगा, वाई का कुछ वैल्यू निकलेगा, उसको एक पेयर में हम लोग बना के रखना है। यह हमारा सेकेंड प्रोसेस है। ठीक, तीसरा प्रोसेस देख रहे हैं। तीसरा प्रोसेस क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। जैसा कि हम आपको बताया कि आर बराबर इतना होता है, डाउ टू एफ बाई डाउ एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपको एस कैलकुलेट करना है, डाउ टू एफ बाई डाउ एक्स डाउ वाई स्मॉल टी डाउ टू एफ बाई डाउ वाई स्क्वायर, यानी कि आपको आर एस और टी को कैलकुलेट करना है, आर एस टी कैलकुलेट करना है, पी क्यू पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का हम लोग कंडीशन देखते हैं। तो पहला हमारा कंडीशन का था क्या है, पहला कंडीशन, इफ जब आप इसको r बराबर निकालिएगा और इस वैल्यू को रखिएगा, x या y जो भी कुछ आएगा उसको वैल्यू रखिएगा, तो r कुछ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी वैल्यू निकल के आएगा। उसी तरह s का भी कुछ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी वैल्यू निकल के आएगा। सिमिलरली t का भी है आपका न्यूमेरिकल क्वांटिटी वैल्यू निकल के आएगा। कब? जब इन दो पेयर को डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे तो जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट पेयर निकलेगा, तो इसको हम रखेंगे कहां, डबल डेरिवेटिव करने के बाद इन सब में, वहां से न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो से बड़ा है, क्या है ये हमारा जीरो से बड़ा है, साथ ही आर का जो वैल्यू है, ये जो आर का वैल्यू है वो जीरो से छोटा है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि जो वैल्यू अगर बड़ा आया छोटा है उसके बारे में हम देख सकते हैं। अगर आर का वैल्यू जीरो से छोटा है एट ए बी, किस पॉइंट पे, ये जो कोऑर्डिनेट हमारा निकला हुआ है इस पॉइंट पे, तब हम बोलेंगे क्या कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, जो हमारा फंक्शन दिया गया एफ एक्स, वो क्या है हमारा मैक्सिमा है। बात समझ में आई? फिर एक बार आपको बताते हैं क्या कि अगर कंडीशन चेक करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर लेस देन जीरो, उस पॉइंट पे जो हमारा कोऑर्डिनेट निकला हुआ है, तब हम बोलेंगे क्या कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो हमारा मैक्सिमा है। ठीक, दूसरी बात, फिर से हम चेक करेंगे दूसरे पॉइंट में आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, साथ ही आर का वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, जो हम डेरिवेटिव करके पी और क्यू से फाइंड किए हैं, अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मिनिमा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू क्या है जीरो से छोटा है, किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, इज नॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू, इसको बोलते हैं क्या सैडल पॉइंट भी बोलते हैं। अगर आपको ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का जो वैल्यू है वो जीरो से छोटा आ गया, मतलब वैल्यू निगेटिव में आ गया, अगर वैल्यू निगेटिव में आ गया तो क्या है सैडल पॉइंट, उसको बोलेंगे। सैडल पॉइंट कहने का मतलब होता है कि ना ही वो मैक्सिमा है और ना ही वो मिनिमा है, वो क्या कर रहा है एक ही पोजीशन पे रुका हुआ है, उसको बोलते हैं क्या सैडल पॉइंट। एक और कंडीशन ये भी बन सकता है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले उसका वैल्यू जीरो हो गया उस पॉइंट पे, तब हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन जो है हमारा डाउटफुल है, ये जो कंडीशन है डाउटफुल है, इसको फिर से हम लोग को जांच पड़ताल करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो जहां तक हमारा मानना है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम में एक ये कंडीशन अप्लाई होगा, एक ये कंडीशन अप्लाई होगा और एक ये कंडीशन अप्लाई होगा। ये जो आपका डी पॉइंट का कंडीशन है ये आपको मतलब मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये जो कंडीशन है आपको मिलने वाला नहीं है। अगर ये कंडीशन आर टी माइनस में एस स्क्वायर बराबर जीरो आ गया तो बोल दीजिएगा क्या यहाँ पे, यहाँ ये जो कंडीशन हमको दिया है इसको, ये डाउटफुल कंडीशन है और हमको इसको फिर से जांच करने की आवश्यकता है, इतना स्टेटमेंट लिख के आप छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हमारे पास ये जो था आपका मैक्सिमम मिनिमा का टू वेरिएबल का कंसेप्ट था। अब देखेंगे क्या कि इस टू वेरिएबल के कंसेप्ट पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितनी सारे हम एप्लीकेशन यहाँ पे लिख रखे हैं इसको कैसे क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, तो हम एक बार और आपको रिकॉल कर देते कि हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम में करने क्या वाले हैं। हमको सबसे पहले एक फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, उसके बाद फिर पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, फिर ये पार्शियली एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे जीरो के इक्वेट पुट करेंगे, वहां से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के एक कोऑर्डिनेट पेयर बनाएंगे, फिर करेंगे क्या हम आर निकालेंगे, आर निकालने के लिए हमको पार्शियली डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्या एक्स के ही रेस्पेक्ट में, एस निकालने के लिए अगर हमारा एक्स फंक्शन है उसको वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, या फिर वाई फंक्शन है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो वहां से हमारा एस निकल जाएगा और आपका जो है टी निकालने के लिए जो आपका एक बार वाई के रेस्पेक्ट में तो कर ही चुके हैं, दूसरी बार फिर से वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, जो वैल्यू निकल के आएगा हमारा
टी का वैल्यू निकल के आएगा, तो आर एस टी यहां से फाइंड करेंगे और उसके बाद ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर आर टी माइनस में एस स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और आर का वैल्यू जीरो से छोटा है तो हम लोग बोलेंगे क्या मैक्सिमा है। अगर आर टी माइनस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और आर का भी वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो बोलेंगे मैक्सिमा है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू हमारा निगेटिव निकल के आ गया तो बोलेंगे वो हमारा सैडल पॉइंट है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का जीरो हमारा क्या इक्वल जीरो हो गया तो हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। बात समझ में आई? तो अब जो हमने आपको बताया इतनी ही सारी चीजें हैं और ये एक कुछ ऑपरेटर है जिसको आपको याद करना है। फिर कभी आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में तो आपको ये सारे मिलने वाले हैं। ठीक, आप इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू प्लस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर ऑन ट्रायंगुलर प्लेट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इक्वल जीरो एंड वाई इक्वल जीरो एंड वाई बराबर नाइन माइनस एक्स। इतना आपको दिया गया है तो सवाल को समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको देखेंगे कि इसको कैसे कैसे हमको बनाना है। तो बोला क्या है कि कुछ इस कंडीशन पे, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन पे हमारा फंक्शन का नेचर क्या है, ये है। अब इस फंक्शन का जो नेचर है, इस फंक्शन का इस नेचर के लिए हमारे आपको निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर मिनिमा। बात समझ में आए? तो फंक्शन का नेचर इस पॉइंट पे है जहां पे x बराबर जीरो y बराबर जीरो y बराबर नाइन माइनस एक्स है, तो इस पॉइंट के लिए फंक्शन का नेचर कुछ हमारा ऐसा है और इस फंक्शन के नेचर के लिए आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी कभी आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए आएगा तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि सिंगल वेरिएबल कौन है और डबल वेरिएबल कौन है, किसको आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करना है और किसको आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करना है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में क्या दिख रहा है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है। पहले वाले में हम लोग क्या देखते थे, पहले वाले में सिर्फ या तो एफ ऑफ वाई हुआ करता था एक ही वेरिएबल या फिर कोई एफ ऑफ एक्स हुआ करता था एक ही वेरिएबल। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और मैक्सिमम मिनिमम का जो कंसेप्ट हम लोग पढ़कर आए हुए हैं या फिर जो हम आपको बताए हैं उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू और सारे कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते थे। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के ही आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, और जहां कहीं भी आपको दो वेरिएबल का कंसेप्ट आ गया और मैक्सिमम मिनिमम का बात कर दिया तो समझिए कि यहाँ पे क्या आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करना है। हम आपको बताएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। ठीक, तो चलिए, सवाल में जो फंक्शन का नेचर है वो कुछ इस पॉइंट पे निकल के आया है तो हमको इस पॉइंट से मतलब नहीं, हमको फंक्शन के नेचर से मतलब है। और क्वेश्चन भी आपको यही बोल रहा है कि इस फंक्शन के नेचर के लिए मैक्सिमम और मिनिमम आप फाइंड करिए। ठीक, तो देखिए, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव टू गिवन दैट, वी हैव टू given that f of xy equal 2 plus 2x plus में 2y minus में x square minus में y square। अब देखिए हमको निकालना है, सबसे पहले हम p निकालते हैं तो p बराबर कितना होता था, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, small p बराबर होता था इतना, स्मॉल q बराबर कितना होता था इतना, r बराबर कितना था, s बराबर कितना था और t बराबर ये इतना था, p q r s t। तो हम क्या निकाल रहे हैं, आपको p निकाल रहे हैं, क्या p निकाल रहे हैं। तो p के लिए हम करेंगे क्या, ये कर रहे हैं, मतलब क्या कि हमारा जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर हम वन मान लें, जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, अगर इस इक्वेशन को हम वन मान लें तो इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स
वी गेट। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या अंतर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बस यही अंतर है क्या कि आपको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ वही आपको वेरिएबल नजर आएगा, उसको छोड़ के जितने भी टर्म्स एंड क्वांटिटी उसके अंदर होंगे वो सारे क्या होंगे कॉन्स्टेंट। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली बस वही आपको एक वेरिएबल नजर आएगा, उसके अलावा जितने भी आपको टर्म्स उसमें मिले वो सारे क्या कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना है। बात समझ में आई, चलिए देखते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा स्मॉल पी बराबर डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया, ठीक। अब इस फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। ये है हमारा टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या निकल के आएगा प्लस टू। ये है हमारा 2y, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में यहां पे कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो x को छोड़ के जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। बात समझ में आया, x को छोड़ के जितने भी टर्म होंगे वो हमारा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो देखिए क्या है, ये 2y भी अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा जीरो। माइनस में एक्स स्क्वायर है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा माइनस में 2x, और ये माइनस में वाई स्क्वायर अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू कितना आएगा माइनस जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह स्मॉल क्यू भी कर लेते हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, मतलब वाई वाला आपका क्या होगा वेरिएबल, और वाई को छोड़ के जितने भी टर्म होंगे वो क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट होगा, इसी की तरह करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, क्यू डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल यहां पे आइए, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा जीरो प्लस, ये 2x है y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये x क्या होगा आपका इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है जीरो प्लस 2y है y के रेस्पेक्ट में ही पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका कितना होगा टू होगा माइनस एक्स स्क्वायर है पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में तो इसका वैल्यू कितना होगा ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा जीरो और इसके लिए माइनस में टू वाई, इतना निकल के हमारा आ गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए एक्स और वाई का, तो चलिए कोऑर्डिनेट पॉइंट थोड़ा बाद में निकालते हैं, हम आर निकाल लेते हैं, हम क्या निकालते हैं पी क्यू आर निकालते हैं। तो देखिए आर बराबर कितना होता है, यहां पर लिखते हैं डाउ टू एफ बाई डाउ एक्स स्क्वायर, आर बराबर इतना होता है, हम यहां पे लिखे हुए भी हैं आर बराबर इतना होता है। तो करना क्या है, ये जो आपको क्या किए हैं हम इसमें आर में किए क्या है कि एक बार और हम डिफरेंशिएट किए हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में ही एक बार हम पार्शियल डिफरेंशिएट और कर दिए। तो यहां से देखिए, एक बार तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन किया गया है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसी को अगर हम एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें कन्वर्ट होगा कि नहीं, आप देख सकते हैं इसी में कन्वर्ट होगा। जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx कर लेते थे, फिर आप करते थे d2y by dx स्क्वायर करते थे, तो क्या था इसी से मिलता जुलता ही ये भी है, बस अंतर है कि ये आपका टोटल डेरिवेटिव में और अप्लीकेबल होता था, जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा टोटल डेरिवेटिव में अप्लीकेबल होता है, बट ये जो हमारा ऑपरेटर है ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल में अप्लीकेबल होता है। तो करेंगे क्या, ये जो p है यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको एक बार क्या करेंगे फिर से हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के ही रेस्पेक्ट में, तब हमको क्या मिलेगा आर मिलेगा। तो हमारे पास ये कितना निकल के आएगा, जीरो का कोई डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं है, फिर से हम दो का कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू हमारा जीरो निकल के आएगा, और इसका जब करेंगे तो हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो कितना होगा माइनस में टू। समझ में आ रहा है, एक बार देख लीजिए इसको, आर इक्वल डाउ टू एफ बाई डाउ एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस में टू निकला, यानी कि पी को ही हम एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। सॉरी, अब देखिए आर निकला, एस निकालने के लिए क्या करेंगे, यही है ना। अब हम पी को ही यानी कि जो डाउ एफ बाई डाउ एक्स है इसको एक बार वाई के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाकर हमको ये मिल जाएगा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये एक बार हो चुका है, एक बार हमको वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहां पे क्या फंक्शन निकल के आ रहा है, यहां पे थोड़ा हम इसको ऐसे करें, थोड़ा सा रीअरेंज कर दे तो कितना आएगा टू माइनस में टू एक्स निकल के आ रहा है,
और यहां पे 2 माइनस में 2y निकल के आया। तो इस p को y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, यहां पे 2 माइनस में 2x है, 2 माइनस 2x है, अगर इसको हम पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसके लिए ये भी कांस्टेंट होगा, तो ओवरऑल हमको क्या निकल के आएगा, 0। r निकल गया, s निकल गया, हमको क्या t निकालना है, यानी कि dou 2f / dou y स्क्वायर हमको निकालना है, क्योंकि t बराबर यही होता है dou 2f / dou y स्क्वायर। तो एक बार हम y के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो इस बार हमको किसको करना है, q को ही हमको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में एक बार और। तो देखिए यही है हमारा निकला हुआ, इसको एक बार हम फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, 2 का 0 आ गया, और माइनस में इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 2, यानी कि हमको माइनस में 2 निकल के आया, ठीक, हमको माइनस 2 निकल के आ गया। तो कुल मिला के ये बात हुआ, हमको p निकल गया, q निकल गया, r निकल गया, s निकल गया, t निकल गया। अब हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा करेंगे क्या कि p है उसको 0 के बराबर पुट करेंगे और q है उसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी कि हम dou f / dou x बराबर 0 और इसका वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, 2 माइनस 2x बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1। इसी तरह dou f / dou y बराबर में 0, तो यहां पे आपका 2 माइनस में 2y बराबर 0, तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1। तो यहां से x और y का एक कोऑर्डिनेट पेयर निकला, x और y का एक कोऑर्डिनेट पेयर निकला क्या, 1 और 1। और जो हम आपको थ्योरी बताए थे, इसी थ्योरी में हम क्या किए थे, इस 1 1 को क्या ले लिए थे, a और b मान लिए थे, क्या माने थे, a और b मान लिए थे, इसी को माने थे a और b। कब, जब मान लेते हैं इसका पावर 1 है तो एक ही वैल्यू निकला, इसका भी पावर 1 है तो y का एक ही वैल्यू निकला, अगर x का पावर 2 रहता तो x का 2 वैल्यू निकलता, y का पावर 2 रहता तो y का भी 2 वैल्यू निकलता, तो वहां से हमारा 2 कोऑर्डिनेट पेयर बनता, a b c d, 3 रहता 3 निकलता, 4 रहता 4 निकलता, तो इसी तरह हमारा जो भी निकलता रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां पे हमारा एक ही वेरिएबल है, एक ही मतलब पावर का है, तो हमारा x का वैल्यू 1 निकला, y का भी पावर 1 है तो y का वैल्यू 1 निकला, तो x y के लिए कोऑर्डिनेट 1 1 हो गया, यही हमारा a और b है। अब हमको चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन, सबसे पहले तो हमको आर टी एट पॉइंट, यहां पे ऐसे लिखिए, एट पॉइंट 1 1 आर टी माइनस में एस स्क्वायर को चेक करिए, आर का वैल्यू आपके पास कितना है, माइनस में 2, टी का वैल्यू आपके पास कितना निकल गया है, माइनस में 2, माइनस में एस स्क्वायर, एस का वैल्यू कितना है आपके पास, 0, कितना है 0 का स्क्वायर, तो 2 ओवरऑल कितना निकल के आएगा, ये आपका आया 4, और ये 4 क्या है, ये 4 आपका ग्रेटर देन 0 है, 4 आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू क्या, माइनस 2 है ना, r का वैल्यू आपका माइनस में 2 है, और यहां पे r बराबर है माइनस में 2, क्या ये माइनस 2 0 से छोटा है, दिख रहा है कि नहीं आपको कंडीशन, rt माइनस s स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और r बराबर माइनस में 2 लेस देन 0, ये कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन बता रहा है कि अगर rt माइनस में s स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और r का वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये जो कंडीशन होगा आपका क्या, मैक्सिमा शो करेगा, क्या शो करेगा, मैक्सिमा शो करेगा। और आपसे अगर पूछ दे कि अगर ये मैक्सिमा शो कर रहा है, हम तो आपको बता देंगे चलो ये फंक्शन हमारा मैक्सिमा शो कर रहा है, तो आपसे पूछ दे कि मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ 1 और 1 पे अगर निकाल के देखें, क्योंकि एक्स वाई, एक्स का 1 वाई का 1, तो यहां पे कितना आएगा आपका, 2 प्लस 2 माइनस में 1 और माइनस में 1, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना मैक्सिमम वैल्यू हमारा 4 निकल के आया, बात समझ में आई। तो ये एक तरीका था मैक्सिमा मिनिमा को कैसे कैसे हम लोग आगे
प्रोसेस प्रोसीड करते हैं, ये एक तरीका था। तो आप इसे नोट करिए, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और इसी तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व। अब बोल रहा है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बताइए, अगर मैक्सिमा है तो किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर मिनिमा है तो किस पॉइंट पे मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू क्या है, अगर पॉइंट ऑफ या फिर सैडलिंग पॉइंट है तो उसके बारे में बताइए, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का नेचर है उसके बारे में बताइए। चार ही कंडीशन हम आपको बता रखे हैं और इतना ही कंडीशन है, तो बनाने का हमारे पास वही तरीका है। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, तो इसको क्या मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे। एफ एक्स कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस में ट्वेल्व। अब हम करेंगे क्या, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको तो इतना आइडिया लग गया होगा कि पार्शियली डिफरेंशिएट में स्मॉल पी क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स होता है, स्मॉल क्यू होता क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई होता है, स्मॉल आर क्या होता है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर होता है, स्मॉल एस क्या होता है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई होता है, और स्मॉल टी बराबर कितना होता है, डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर होता है, ठीक। इतना आपको याद रख लेना है। अब हम सीधे डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि कैसे कैसे हम चीजों को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, उसको छोड़ के सारे कांस्टेंट नजर आएंगे। तो इसमें क्या है, ये एक वेरिएबल है 2x कांस्टेंट, ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट प्लस में 6, और यहां से इसको क्या करना है, हमको जीरो के बराबर पुट कर देना है। तो वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, x बराबर माइनस में 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इसी इक्वेशन को कितना आएगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, सिर्फ यही एक y है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा 2y, और इसको क्या करेंगे जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। दिस इंप्लाइज y का वैल्यू कितना निकल गया, जीरो। तो हमारे पास a और b का जो कोऑर्डिनेट था वो कितना निकल के आ गया, माइनस में 3 और 0, इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए हमको क्या चाहिए, r चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना है, ये करना है, यानी कि x को फिर से हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितना निकल के आएगा, हमको जो वैल्यू निकल के आएगा इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर 2 निकल के आएगा, एस करेंगे कितना होगा, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्या होगा कांस्टेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, वैल्यू कितना होगा जीरो, और टी इस वाई को एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना वैल्यू निकल के आएगा, 2 निकल के आ गया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा 4 फॉर मैक्सिमम मिनिमम, चेक करेंगे आर टी माइनस में एस स्क्वायर, तो आर का वैल्यू हमारे पास है 2, टी का वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस एस स्क्वायर 0 का स्क्वायर, वैल्यू हमारा कितना आया 4, ग्रेटर देन 0 है, इतना तो पता चल गया, ठीक। अब हम आर के नेचर के बारे में बात करेंगे, तो आर का वैल्यू हमारा कितना है, आर का वैल्यू है 2 और 2 क्या है 0 से ज्यादा है, तो आपको पता होगा कि अगर आर टी माइनस में एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0 अगर ये कंडीशन है, तो जो हमारा फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, तो जो हमारा जो फंक्शन होता है एफ एक्स और वाई, ये क्या शो करेगा, ये हमारा मिनिमा शो करेगा, बात समझ में आया, तो ये हमारा मिनिमा शो करेगा। अब आपसे पूछ दे कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो एफ ऑफ मिनिमम वैल्यू के लिए कितना निकालेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस में 3 है और वाई का वैल्यू 0 है, तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे माइनस में 3 और वाई की जगह पे 0 पुट करिएगा, तो ये हमारा कितना होगा 9 प्लस 0 माइनस, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 12, 12 और 9 कितना आ गया आपका 3 आ गया, ये आपका 3
फिर आंसर आ गया। तो ये जो फंक्शन था आपका मिनिमम शो कर रहा है और मिनिमम वैल्यू हमारा थ्री निकल के आ गया। ठीक, इसे आप नोट करिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल ट्वेल्व हैज अ मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बोल रखा क्या कि जो हमारा क्या है मिनिमम वैल्यू है, तो आपको निकालना क्या है कि वो कोऑर्डिनेट निकालना है, वो आपका कोऑर्डिनेट निकालना है और कोऑर्डिनेट को अप्लाई करके उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है ये निकालना है। ठीक, ये कंडीशन आपको बता चुका है कि यह हमारा मिनिमम का कंडीशन है। तो देखिए क्या है, जब ये बता चुका है मिनिमम का कंडीशन है तो मान लेते हैं वही हमारा कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस में ट्वेल्व बराबर जीरो, इतना ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस में ट्वेल्व। इस ट्वेल्व को हम इधर लेके गए बराबर जीरो, और बराबर जीरो है वो किसके एफ एक्स एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, इतना हम एज्यूम कर लिए। अब हम कर क्या रहे हैं कि फिर वही हमारा कंसेप्ट है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू एक्स प्लस में सिक्स आया, वाई के अगर रिस्पेक्ट में करें तो टू वाई ही आएगा। इसको अगर जीरो के बराबर हम इक्वेट किए तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, इतना बराबर में जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू माइनस में थ्री निकल के आया, इतना बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज वाई का वैल्यू जीरो निकल के आया, हमारा इतना निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए फिर इसमें क्या करेंगे हम, अब हम आर निकाल रहे हैं, आर निकाल रहे हैं, आर निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा इसका, इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, टू आया एस निकालेंगे जीरो आएगा, टी निकालेंगे इसको टू निकल के आएगा। कंडीशन क्या बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू है, यानी कि गिवन कंडीशन इज मिनिमम वैल्यू, कंडीशन क्या दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा आर और टी माइनस में एस स्क्वायर ये टू जीरो के बराबर होगा एंड आर का वैल्यू जीरो से ज्यादा होगा, ये हमको दिया गया है। अब हमको चेक करना है कि यह कंडीशन सही है कि नहीं। आर का वैल्यू हमारे पास कितना टू निकल के आया, टी का वैल्यू टू माइनस में जीरो का स्क्वायर ये आपका फोर निकल के आया, ग्रेटर देन जीरो कंडीशन सही है, आर ग्रेटर देन जीरो तो आर का वैल्यू कितना है टू है, ग्रेटर देन जीरो है, ये भी कंडीशन हमारा सही है। ठीक, तो दोनों कंडीशन सही है, इसका मतलब ये जो हमको क्वेश्चन बोला है मिनिमा है वो बात सही है। अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू कितना निकलेगा, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या होगा यहाँ पे फॉर मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ माइनस में थ्री एंड जीरो वैल्यू कितना आएगा, ये हमारा ये यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, आप इसको थोड़ा सीधा कर लीजिएगा, ये इक्वल बराबर नहीं है, ये प्लस ट्वेल्व है, क्या है ये प्लस ट्वेल्व है, इसी तरह यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का ट्वेल्व होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो भी आपको दिया रहेगा एक्सप्रेशन दिया रहेगा उस एक्सप्रेशन को हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर इक्वेट करते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं एफ माइनस थ्री और जीरो, सॉरी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं क्योंकि ये हमारा फंक्शन क्या है मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ माइनस थ्री वाई पे, तो एक्स की जगह पे कितना माइनस थ्री पुट करेंगे, वाई की जगह पे कितना जीरो पुट करेंगे, तो कितना आएगा हमारा नाइन प्लस जीरो माइनस में एटीन और प्लस ट्वेल्व, यहाँ प्लस ट्वेल्व होगा माइनस इक्वल नहीं होगा, तब हम इसको सोल्व करेंगे प्लस का थ्री आया, ये हमारा कितना आया थ्री आया, तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना हुआ मिनिमम वैल्यू हमारा थ्री निकल के आ गया। किस कोऑर्डिनेट में मिनिमम वैल्यू हमारा थ्री निकल के आया, तो एक्स वाई के ये जो हमारा एक्स वाई जो है उसके माइनस में थ्री और जीरो कोऑर्डिनेट भी जो हमारा फंक्शन है वो हमारा मिनिमम शो कर रहा है और उसका मिनिमम वैल्यू माइनस थ्री है। ठीक, तो मैक्सिमम मिनिमम में इतने सारे क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आप इसको इसी बेस पे बनाते रहिए, तब तक के लिए इतना काफी है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।